हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के सदस्य एचआर हरनोट ने कहा कि वे सरकार से मुख्य रूप से तीन मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं, जिसमें पहली मांग शिमला के कैथू में निर्मल वर्मा के बाल्यकाल से जुड़ी यादों को सहेजे जाने को लेकर है। उन्होंने कहा कि कैथू स्थित भज्जी विला में निर्मल वर्मा ने 15 साल बिताए थे। इस भज्जी विला को निर्मल वर्मा संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि निर्मल वर्मा 3 अप्रैल को कैथू के अल्बर्ट विला, एक पुरानी बिल्डिंग थी जो अब रेनोवेट हो गई है, उसमें उनका जन्म हुआ था। तो उनके जो पिताजी थे वो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिफेंस में ऑफिसर थे और उन्हीं के वो वहीं रहते थे अल्बर्ट हाउस में। तो वो पैदा वहाँ हुए, लेकिन अल्बर्ट हाउस जो है उसके साथ अल्बर्ट विला, उसके साथ भज्जी हाउस है जहाँ उन्होंने बचपन के 15 साल गुजारे वहाँ पर उस भज्जी हाउस में। और निर्मल वर्मा जी जो 15 सालों में उनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई वो वहाँ से पैदल, जो जहाँ केंद्रीय विद्यालय उपराज वहाँ आते थे, वहाँ हार्ट कोर्ट बटलर स्कूल होता था वहाँ पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए दिल्ली से वो शिफ्ट करते थे उसको, और जो यहाँ ऑफिसर के बच्चे थे वो सारे उस स्कूल में पढ़ते थे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल था वो, और निर्मल वर्मा भी उसी में ही पढ़े। आज की इस यात्रा का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि क्योंकि निर्मल वर्मा जी है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, जिनको पद्मश्री मिला है, जिनको साहित्य अकेडमी मिला है, और शिमला से बहुत सी यादें उनकी जुड़ी हुई है। लेकिन आज हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि उनकी जो स्मृतियाँ हैं वो हाशिए पे चली गई है सारी स्मृतियाँ, क्योंकि अल्बर्ट हाउ जो विला है वो निजी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनके लिए हम दोष नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने उस टाइम खरीदी हो जहाँ जन्म हुआ था। लेकिन हमारा जो कहना है कि अल्बर्ट हाउस के विला के साथ बिल्कुल भज्जी हाउस है वहाँ पे, जहाँ 15 सालों तक हो रहे और वहीं से ही उन्होंने लिखना शुरू किया, वहीं उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई, तो वो गवर्नमेंट के पास है वो भज्जी हाउस, और जिसमें गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। तो गवर्नमेंट चाहती तो उसको निर्मल वर्मा की याद में एक संग्रहालय बना सकते थे वो, लेकिन वो संग्रहालय भी नहीं बना, और उस बिल्डिंग के भी बहुत खस्ता हाल है। और क्योंकि हम जब जाते हैं उसमें तो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी वो, तो वो एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो सकता था। वहाँ एक निजी प्रॉपर्टी में बोर्ड लगा हुआ है, आप अगर उस बोर्ड के हाल देखेंगे, वो भाषा भाग ने लगाया था बोर्ड, जिसमें लिखा है कि भाई अल्बर्ट विला में उनका जन्म हुआ और बाईं तरफ की जो बिल्डिंग है भज्जी हाउस में वो 15 साल रहे। तो हमारा ये कहना उस बोर्ड की ये स्थिति है कि उसके साथ आज कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उनके साथ फटे हुए जूते रखे हुए हैं, और वो निर्मल वर्मा का बोर्ड वहाँ लटक रहा है। तो मतलब हमारे लिए थोड़ा सा अपमान भी है कि भाई एक विश्व प्रसिद्ध जो लेखक है वो, उनकी यादें शिमला में जुड़ी हुई है। आप जब शिमला का रेफरेंस साहित्यिक दृष्टि से देते हैं तो निर्मल वर्मा को याद करते हैं। वहीं उन्होंने रिज के साथ लगती टका बेंच स्थित बुक कैफे को वापस कैदियों को सौंपे जाने की मांग उठाई, ताकि इस कैफे का संचालन अच्छे से हो सके। उन्होंने कहा कि शिमला में पुस्तकालयों की उचित व्यवस्था ना होने के चलते लोगों में पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति भी कम हो रही है। ऐसे में सरकार को शिमला स्थित पुस्तकालयों के संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हरनोट ने कहा कि वे अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। ये एक 2017 में जब कैफे शुरू हुआ तो जेल के कारावासियों को दिया गया, और उनकी वजह से इतना पॉपुलर हुआ है कि ये देश में ही नहीं विदेशों तक इसकी कवरेज आई, फिल्में बनी इस पर। और फिर हमारे ग्रुप ने जो साहित्यकार है, हमने कोई लगभग 500-600 किताबें बाहर से मंगवा के इकट्ठी करके यहाँ रुखवाई किताबें, और हमारी लगातार गोष्ठियाँ होती थी, और 2 साल में तकरीबन 70 गोष्ठियाँ हमने की। उससे क्या हुआ कि एक लाइम लाइट में ये चीज़ आ गई और एक लैंडमार्क बन गया है। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको पता नहीं क्यों नगर निगम ने इसको प्राइवेटाइज किया और इसको ढाबे में कन्वर्ट कर दिया, और आप भी आते जाते रहे होंगे, कोविड लगा, उनको बहाना मिल गया और उनको इनकम कुछ हो ही नहीं, वो छोड़ के चले गए। अब हमारा यही कहना है कि भाई आप साहित्य संस्कृति के लिए जो जगहें हैं वो सारी समाप्त हो रही है, तो हम पहला यही मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग कर रहे हैं कि बुक कैफ़े वो कारावासियों को ही दिया जाए,